किसी भी उपाय से देवी मातंगी को पावन गंगा के जल में प्रविष्ट कराओ। वहीं श्री महाकाली का आविर्भाव होगा गणेश। ये देवी तो श्री महाकाली नहीं, ये तो कोई और है। गणेश, वो देखो। ये माता कहां अदृश्य हो गई? मां श्री महाकाली का आविर्भाव हो रहा है। ये क्रोध मुझे भयभीत कर रहा है। माता ने ऐसा कठोर रूप क्यों धारण किया है? जगत जननी की अद्भुत लीला वही जानती हैं। सत्य है, देवी आदि शक्ति के श्री महाकाली रूप का आविर्भाव हुआ है। प्रणाम, प्रणाम श्री महाकाली। माता की विशालता में तो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया है। अनंत अद्भुत है माता का ये रूप। माता श्री महाकाली की दिव्य भव्यता को मैं नमन करता हूँ। प्रतीत होता है माता अपने पूर्ण आवेश में। जय माता श्री महाकाली, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए माता।
कैसा रहस्य है माता? कौन है? कौन है जो मेरा रहस्य जानना चाहता है? कौन? माँ का स्वर इतना कठोर क्यों है? श्री महाकाली के इतने कठोर वचन के पीछे अवश्य कोई कारण है। श्री महाकाली ने अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिया है, अवश्य कुछ घटित होने वाला है। तू जानना चाहता है? तू कौन जानना चाहता है? बोल, तू जानना चाहता है मेरा रहस्य? प्रणाम माता महाकाली। वो मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा था, रहस्य जानना है, रहस्य जानना है, तो आप क्या हो गया? तेरे मुख से बोल किसने छीन लिए? बोल! देवी श्री महाकाली माँ, माँ की दृष्टि का ऐसा प्रचंड तेज, माँ के इस रूप के दर्शन के पीछे का कारण मुझे जानना ही होगा। माँ, हम सभी आपकी लीला समझना चाहते हैं, उसका रहस्य जानना चाहते हैं। माता, ये सब मेरा ही अपराध है, मैं ही इसका कारण हूँ माता। माँ का ये अट्टहास तो किसी को भी कंपित कर दे। तू है उसका कारण। कौन है तू? मेरी इच्छा के बिना कुछ भी करने वाला। सारा संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा के कारण होता है। साधारण सा कोमल सा पत्ता भी हिलता है तो वो भी मेरी इच्छा से। तूने श्राप दिया था ए, क्योंकि वो मेरी इच्छा थी। आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते? तू तो मेरी सृष्टि रूपी लीला के चक्र का एक कण मात्र है, मात्र एक तुच्छ भाग है, तुच्छ भाग है, तुच्छ भाग है। वो चक्र स्वयं मैं हूं, तू नहीं। और वो लीला चक्र यदि गतिमान होता है तो मेरे कारण। वो लीला चक्र यदि गतिमान होता है तो मेरे कारण। पूछ पूछ, तेरे मन में क्या प्रश्न है? माता, आप माँ मातंगी के रूप में माँ गंगा में प्रविष्ट हुई और हमारी प्रार्थना सुन आपके पूर्व एक दिव्य श्वेत वर्णी देवी जल से बाहर आई। कौशिकी, कौशिकी थी वो, पवित्र श्वेत मौलिक वो बाहर आई। और उसके श्वेत तत्व के बाहर आने के बाद गंगा की जलधारा में शेष था। स्याह? केवल स्याह? श्री महाकाली आप? हाँ, मेरी शक्ति जानना है क्या? जानना चाहता है वास्तव में मैं कौन हूँ? तो जान, संसार में ऐसा क्या है जो मैं नहीं? स्याह अंधकार अनंत होता है, जिसके आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं, वही काल है और सभी उसी काल के बंदी है, और मैं हूं उस काल की अधिष्ठात्री। मैं श्री महाकाली। मैं ही परम ब्रह्मा हूं।
पराशक्ति हूँ मैं, पराशक्ति हूँ मैं, पराशक्ति हूँ मैं। विशाल विहंगम है माता का ये रूप, अद्भुत है उनकी महिमा। माता महाकाली, हम सभी नतमस्तक हैं आपके समक्ष। मुझे माता श्री महाकाली से उनकी लीला का रहस्य पूछना चाहिए। यही इच्छा महा गणपति जी की भी थी, इसलिए तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन भी दिया था, और इसलिए हम यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। माता ने जो स्वर्णिम अवसर हमें दिया है, उसे गवाना सर्वथा अनुचित होगा। मुझे माता से निडर होकर प्रश्न करने ही होंगे। हे माँ, मेरे प्रश्न के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। पूछ, पूछ अपने प्रश्न, पूछ। माता, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परम ब्रह्म अनेक है? क्योंकि जब मैंने महादेव की कथा सुनी थी तो मुझे ज्ञात हुआ था कि वो ही परम ब्रह्म है, और फिर मुझे श्री महागणपति जी ने भी यही बताया था कि वो परम ब्रह्म है, और अब आपने भी कहा कि आप ही परम ब्रह्म है, तो फिर वास्तविक परम ब्रह्म है कौन? उत्तम, अति उत्तम प्रश्न पूछा है रे गणेश। सत्य, सत्य तो यही है कि परम ब्रह्म एक ही है, और हम सब उसी महाशक्ति के रूप है, किंतु वो तो अव्यक्त है, निरंकार है, सर्वत्र व्याप्त। उनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, वो तो बस है एक सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में। किंतु माता, यदि संसार में एक ही परम ब्रह्म है, एक ही महाशक्ति है, तो वो भिन्न रूप क्यों लेती है? गणेश, तू तो बड़ा बुद्धिमान है रे, तेरी जिज्ञासा शांत करनी ही होगी। ध्यान से सुन, परम ब्रह्म की महाशक्ति संसार में आवश्यकता के अनुसार अनेकों रूप में प्रकट होती है। वही परम ब्रह्म महादेव के रूप में प्रकट हुए, और श्री महागणपति जी के रूप में भी। वही श्री महाविष्णु संसार में नारायण के रूप में प्रकट हुए। और उन्हीं परम ब्रह्म का एक रूप मैं भी हूं। परम ब्रह्म के रूप अपने अनुसार संसार के कल्याण हेतु कार्य करते हैं, जो अपने अनेक अवतारों में सृष्टि का पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। किंतु माता, श्री महाकाली रूप लेने के पूर्व आपने माता मातंगी का रूप क्यों धारण किया था? तेरी जिज्ञासा कब शांत होगी रे गणेश? सुन, मेरे 10 महाविद्या रूप है, और उन 10 महाविद्या रूप में से 9वां रूप है मातंगी। 10 महाविद्या माता? संसार के सृजन, पालन और संहार हेतु सृष्टि के विकास और उसके चक्र को उचित रूप से गतिमान करने के लिए मैं अपनी 10 महाविद्याओं के रूप धारण करती, और जब जब संसार को मेरी आवश्यकता होती है तो उसी प्रकार मैं अपना रूप धारण करती। माता, मेरी जिज्ञासा तो और भी बढ़ती जा रही है। आपकी 10 महाविद्या रूप माता, ये कौन है? हमें उनके रूप, शक्तियाँ और कार्य विस्तार से बताने की कृपा कीजिए माता। हमें उनके नामों का भी परिचय दीजिए। मेरी 10 महाविद्याओं के नाम है काली, नारा,
महाविद्या रूप में महादेव भिन्न रूप में मेरे साथ रहते, जैसे कि मेरे मातंगी रूप में वो मातंग के रूप में मेरे साथ रहते। माता, हमें अपने दसों महाविद्या रूपों का परिचय देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्यों? तुम सभी यहाँ मेरे महाकाली रूप का रहस्य ज्ञात करने के लिए एकत्रित हुए हो ना? तो सुनो, अब मैं तुम्हें अपने महाविद्या रूप और मेरे उस रूप में महादेव कौन से रूप में होते हैं ये बताती हूँ। मेरा सर्वप्रथम महाविद्या रूप है काली। काली का उद्गम संसार में महादेव के साथ कैसे हुआ और काली रूप में महादेव ने कौन सा रूप धारण किया, सर्वप्रथम ये कथा सुनो। प्रलय के उपरांत संसार नष्ट हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता, तब एकमात्र मैं रहती हूँ अव्यक्त निरंकार रूप में, और फिर मेरा प्रणव रूप प्रकट होता है जिससे संसार की सृष्टि होती। समय आने पर देवी लक्ष्मी नारायण की पत्नी बनेंगी और देवी पार्वती महादेव की अर्धांगी। महादेव और देवी सरस्वती,
आप दोनों एक तत्व हैं। उचित समय आने पर देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की पत्नी बनेंगी। आप सभी को अपने दायित्व, शक्ति और कार्य ज्ञात होंगे। सृष्टि के नवीन सृजन के समय जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी, उसमें थल अंश मात्र ही था, जो जल में उसी प्रकार विद्यमान था जैसे घृत जल में रहकर भी उससे पृथक ही रहता है। थल कोमल था, उसे कठोर बनाना था जिससे उस पर जीवन का संचार हो सके। विष्णुदेव को संसार का पालनहार बनना था, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम संसार को आकार देने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि विष्णुदेव संसार की रचना में मेरे सहायक बनेंगे। सृष्टि के पालनहार, किंतु मामा जी तो गहन निद्रा में लीन थे। सत्य है, नारायण तामसी प्रभाव में आकर माया के वशीभूत थे, इसीलिए उन्हें निद्रा से जगाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। और उन्हें जगाने के लिए मैंने अशांति उत्पन्न करने का निश्चय लिया। अशांति माता? हाँ, अशांति मधु और कैटभ के रूप में। मधु और कैटभ माँ, ये कौन थे? दो असुर जिन्हें मैंने अपनी माया स्वरूप देवी महामाया का रूप धारण कर उत्पन्न किया। कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय।
होने पर मैंने उनमें प्राण का संचार कर उन्हें जीवन प्रदान किए। ये क्या स्थान है? हम इस विशाल सागर के मध्य में क्यों हैं? कौन है हम? हम कौन है? कौन है हम? कौन है हम? वत्स, तुम दोनों हो मधु और कैटब। मैं मधु। मैं कैटब। मैं मधु। मधु। मैं कैटब हूँ। मैं कैटब हूँ। किंतु तुम कौन हो देवी? मैं हूँ महामाया और तुम्हारा जन्म मेरी लीला से ही हुआ है। प्रणाम माता। हमारे नामों के अतिरिक्त हमारा क्या परिचय है? पुत्रों, तुम दोनों अत्यंत शक्तिशाली असुर हो और इस जल में तुम्हारी उत्पत्ति का एक अति विशेष कारण है। माता, क्या है वो कारण? क्या है हमारे जन्म का उद्देश्य? युद्ध करना है तुम्हारा उद्देश्य। युद्ध? नारायण से युद्ध। जाओ और अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण करो। नारायण से युद्ध करो। देवी महामाया, आपके कारण ही हमारा अस्तित्व है। आपने ही हमें हमारा नाम दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। इसलिए देवी, आपका आदेश है कि हम विष्णुदेव से युद्ध करें, तो ऐसा ही होगा। प्रणाम माता। कहाँ है विष्णुदेव? मधु और कैटब को मामा जी के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। तुझे क्या लगता है, ये भूल थी मेरी? जब से मैं आई हूँ प्रश्नों की जड़ी लगा रखी है। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ क्योंकि तू मेरा रहस्य जानने के लिए इच्छुक है कि तू अब तू मेरी ही लीला पर प्रश्न उठा रहा है। हाँ, भेजा मैंने उन दो असुरों को नारायण से युद्ध करने के लिए। मेरी लीला समझने का सामर्थ है भी तुझमें? मेरा उद्देश्य ये नहीं था माता, आपको क्रोधित नहीं करना चाहता था मैं।
श्री महाकाली माँ, मैं तो बस अब और कुछ नहीं। कौन होते हो तुम सभी मुझसे प्रश्न पे प्रश्न पूछने वाले? पराशक्ति हूँ मैं, बहुत हुई मेरी लीला की कथा। अब ना तो मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना। नहीं बता दी मैं अपना रहस्य। ये क्या कर दिया मैंने? माँ श्री महाकाली माँ के कोप को जागृत कर उन्हें हमसे रुष्ट कर दिया। माता से और प्रश्न करना कदाचित उनकी क्रोधाग्नि को और भड़का देगा। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। माता जा रही है यहाँ से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गणेश जी की स्तुति से माता श्री महाकाली का क्रोध शांत हो रहा। माँ, माँ, मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैं अपने प्रश्नों से आपको क्रोधित नहीं करना चाहता था। ये प्रश्न तो मात्र मेरी जिज्ञासा थी। कृपया अपनी कथा हमें सुनाइए ना माँ। अपनी दिव्य लीला को विस्तार से समझने के लिए हम सभी अति उत्साहित हैं। हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए ना माँ। वास्तव में बुद्धि का देवता है तू, मेरी क्रोधाग्नि को शीतल कर दिया। तुम सभी मेरी लीला जानना चाहते थे ना? कसम, मैंने ही उन दो असुरों को नारायण से युद्ध करने का आदेश दिया था। किंतु असुरों का तो स्वभाव ही होता कि वो कभी किसी के आदेश का पालन नहीं करते। अर्थात माता? अर्थात नारायण तक पहुंचने से पूर्व मधु और कैटब की कुदृष्टि ब्रह्मदेव पर पड़ गई। वो वहां देखो ब्रदर कैटब, क्या है वो? उचित है मधु, देखता हूं, अभी देखता हूं। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? एक उच्च आसन पर कोई वृद्ध देवता प्रतीत होता है। हाँ मधु, किंतु इस वृद्ध देवता को इतने ऊंचे आसन की क्या आवश्यकता है? उचित कहते हो भ्राता, उच्च स्थान तो बलवान को प्राप्त होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए। विष्णु से तो बाद में युद्ध करेंगे, पहले इस वृद्ध देवता को आसन से उतारते हैं, इसका स्थान छीनते हैं। हाँ।
हे वृद्ध देवता सुनो, हे सुनो, ये दो असुर कौन है? इस दुर्बल प्रतीत होने वाले वृद्ध देवता को तो हम बड़ी आसानी से कमल सिंहासन से गिरा सकते हैं। हाँ, सर्वप्रथम इससे मुक्ति पाएंगे हम, फिर उस विष्णु को नष्ट करेंगे, फिर इस संपूर्ण सागर के अधिपति बनेंगे हम। ये कुरूप असुर मेरे इतने निकट, इन्हें देखकर ही इनसे घृणा हो रही है मुझे। ए वृद्ध देवता, यहाँ इटाकी बैठकर क्या कर रहे हो? मैं वृद्ध नहीं हूँ, मेरे ये श्वेत केस मेरे ज्ञान के प्रतीक हैं, और ये मेरा स्थान है, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ। नहीं, ये स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम्हें इस ऊंचे आसन की कोई आवश्यकता नहीं, इसके योग्य नहीं हो तुम, चलो उतरो यहाँ से। तुम दोनों यहाँ कर ये उपद्रव क्यों कर रहे हो? मैं शांति प्रिय हूँ, तुम्हें मेरे स्थान से मुझे हटाकर क्या प्राप्त होने वाला है? क्या प्राप्त होगा हमें? बस अब और प्रश्न उत्तर न आए, दूसरों को सताने में ही आनंद है, इतना भी नहीं समझते? इसलिए जैसा कहा जाए वैसा करो, अन्यथा शांति प्रिय देवता तुम्हारे जीवन को अशांति से भर देंगे हम, या कदाचित तुम हमारा विरोध करने की इच्छा रखते हो? हाँ, विरोध करो, संघर्ष करो हमसे, यही चाहते हैं हम, फिर तुम्हें सताने में और आनंद आएगा। ये असुर तो बड़े दुष्ट प्रतीत होते हैं, मैं करूं तो क्या करूं? प्रतीत होता है ये उद्दंड असुर थमने वाले नहीं। उतरो नीचे इस आसन से, अन्यथा हम बलपूर्वक गिरा देंगे तुम्हें। इसके योग्य नहीं हो तुम, चलो उतरो यहाँ से। इस विकट परिस्थिति में कौन सहायता करेगा मेरी? नारायण से सहायता की गुहार करता हूं। नारायण, नारायण, निद्रा त्यागिए, त्यागिए, उठिए नारायण, नारायण, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। नारायण, विष्णु को निद्रा से जगाने में क्या लाभ? सर्वप्रथम हम तुमको यहां से हटाएंगे, फिर तुम्हारे आसन पर स्थित होकर नारायण को सताएंगे, युद्ध करेंगे, विष्णु को भी पराजित कर देंगे हम। नबदेव वधु और कैटब से आतंकित, क्योंकि वो उनसे युद्ध नहीं कर सकते, तो वो नारायण की प्रार्थना कर उन्हें उनकी निद्रा से जगाने का प्रयत्न करने लगे। ॐ नारायणाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ नारायणाय नमः। वृद्ध देवता ऐसे नहीं उतरेगा, कार्य करें, इसके कमल की जड़ को ही विलख कर देते हैं, इसे गिरते देख बड़ा आनंद आएगा। अब न रहेगा आसन, और न रहोगे तुम उस पर आसीन। Ah!
किसने किया? कौन है हमें नीचे गिराने वाला? हमें चुनौती देने का दुस्साहस किसने किया? किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया? मैं नारायण। कोई साधारण असुर नहीं थे और उनमें प्राण तो मैंने ही फूके थे, तो उनका अंत इतनी सरलता से कैसे हो सकता था? मैं चकित और विचलित इस बात से हूँ कि माता द्वारा उत्पन्न दो असुर उन श्री हरिनारायण विष्णु का सामना भला कैसे करेंगे जो स्वयं जगत के पालनहार हैं। जगत के कल्याण के लिए परम ब्रह्म एवं भगवान को भी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जिसका अनुसरण हमें भी करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।